गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टी एंड कॉफ़ी। आज हम लोग इसमें टी और कॉफ़ी को देखेंगे। देखिए हमारा फोर्थ या फिफ्थ पार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। देखिए लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोक कंटेन कैफीन। अगर हम लोग टी सीड्स की बात करें या टी लीव्स की बात करें तो इसमें, या फिर हम लोग कॉफ़ी की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैफीन होता है। कैफीन एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। ये किस यू कैफीन क्या करता है, एज अ स्टिमुलेंट वर्क करता है। ठीक, दैट इज़ वाई टी एंड कॉफ़ी आर रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इसलिए हम लोग टी और कॉफ़ी को क्या कहते हैं, रिफ्रेशिंग ड्रिंक कहते हैं। स्टिमुलेंट का मीन्स होता है किसी चीज़ को उत्तेजित करना, ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट को इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली हर फूड में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए टी प्लांटेशन है, यहाँ पर ये चाय का पौधा है यानी टी प्लांट है। ठीक है, इसी में से हम लोग टी लीव्स निकालते हैं। तो देखिए स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या है, स्पाइसेस आर द पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर यूज्ड टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ कुक्ड फूड। स्पाइसेस हमारे वो चीज़ें हैं जो हम टेस्ट के लिए ऐड करते हैं, चाहे फूड हमारा कच्चा हो या फिर पक्का। स्पाइसेस हैव लिटिल और नो न्यूट्रिशन वैल्यू। क्या है स्पाइसेस जो है हमारे, वो क्या करना चाहिए, हमें कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। इंडिया किस लिए फेमस है, इसके मसालों के लिए फेमस है। सम मोस्ट कॉमन स्पाइसेस आर लिस्टेड बिलो इन द टेबल। स्पाइसेस यूज्ड टू फ्लेवर एंड कुक्ड फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट। जो स्पाइसेस हमारे रॉ फूड में यूज़ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्डिमेंट कहते हैं। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, पीपर बोलेंगे, और इंडियन नेम इसका क्या है, हींग है। ठीक है, और इंग्लिश कॉमन नेम क्या है, ऐसा फोर्टिटा है। इलायची को, छोटी इलायची को हम लोग कार्डामोन बोलते हैं, और इसे इंडियन नेम इसको लहसुन, सॉरी काली मिर्च का इंग्लिश नेम क्या है हमारा, पेपर है। ठीक है, और इलायची का हमारा जो इंडियन नेम में हम लोग इलायची कहते हैं उसे इंग्लिश में नेम में क्या कहते हैं, कार्डामोन कहते हैं। हींग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसा फोर्टिटा कहते हैं। और लहसुन को क्या कहते हैं, गार्लिक कहते हैं। ओके, चार मसाले आपके लिए हुए हैं, और भी नीचे बहुत सारे हैं, अदरक को, जिंजर, लाल मिर्च को, चिलीज, हल्दी को, टर्मेरिक, लौंग को, क्लोव्स, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। जीरे को क्यूमिन कहते हैं। ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कौन कौन से फूड हमें मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे मिल्क है, बटर है, चीज़ है, तो हम इन सभी को देख लेते हैं, सब हम जानते हैं पहले से ही। देन मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस। वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउस, बफेलो, गोट एंड शीप। ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। बफेलोज एंड काउस आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन अवर कंट्री। ये सब क्या है, बफेलो और काउ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर फूड, फॉर मिल्क। ठीक है, मिल्क कर्ड, चीज़, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम, कुल्फी आर कॉल्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। एग एंड मीट, हमें पता है एग एंड मीट भी हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। देन एग्स एंड मीट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। जो एग और मीट होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स में रिच होते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोल्ट्री। ये कहाँ से हमें मिलते हैं, पोल्ट्री से मिलते हैं, मीन्स मुर्गियों से मिलते हैं। पोल्ट्री इंक्लूड्स लाइक बर्ड्स, चिकन, हैं, डक्स, गीज एंड तुर्की। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, एग और मीट मिलती है। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड इन फॉर्म ऑफ एग एंड मीट। ओके, फिश को भी आप जानते हैं एज अ फूड हम लोग यूज़ करते हैं। फिश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। फिश हमारा क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन एंड आयोडीन। फिश और सी फूड जितने भी होते हैं उनमें प्रोटीन्स तो होता ही होता है, और साथ में आयोडीन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। ओके, फिश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द फूड फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मतलब जो पानी की जगह पर रहते हैं उनके लिए फूड का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, फिश है। द फिश विच ब्रीड्स इन सी वाटर इज टर्म्ड एज मरीन फिश। जो समुद्री पानी में रहती हैं फिश उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मराइन फिश कहते हैं। दीज आर फाउंड इन द कोस्टल एरिया सच एज सी वाटर अराउंड केरला, वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, ETC। नाउ द फिश विच ब्रीड्स इन वाटर सच एज पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स इज कॉल्ड फ्रेश वाटर फिश। ऐसे फिशेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर फिश कहते हैं, जो पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में रहती हैं। रोहू एंड कटला आर फ्रेश वाटर फिशेज। अगर हम रोहू और कटला की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में रहती हैं। देखिए यहाँ पर रोहू का डायग्राम भी दिया हुआ है, कितनी बड़ी है, दिख रहा है ना, ये आपको रोहू फिश है यानी फ्रेश वाटर फिश है।
नेक्स्ट है आपका हनी। हनी तो हम सभी जानते हैं, हनी इज़ रिच इन शुगर मिनरल्स एंड एंजाइम्स, इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये किस लिए यूज़ होता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हनी बी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी बी कहाँ से यूज़ होता है? हनी बी कहाँ से मिलता है हमें? फ्लावर्स के पराग से मिलता है। जो फ्लावर्स होते हैं, ये मान लो फ्लावर है आपका, ये फ्लावर मान लेते हैं और इसमें पराग निकला होता है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या करती हैं, यहाँ पर मक्खियाँ आकर बैठती हैं और इनका फ्लावर का जो रस होता है सारा चूसती हैं, ठीक है, उसे सक करती हैं और सक करने के बाद क्या हो जाता है, हनी बन जाता है। और हनी कहाँ से मिलता है? छत्ते से मिलता है मधुमक्खी के। हनी स्ट्रैक्स आर एन एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। हनी क्या किसके कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे लिया जाता है? बहुत सारे लोग ग्रुप में मिलकर हनी को निकालते हैं, ठीक। ये देखो, बी सकिंग नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर, दिख रहा है ना आपको, नेक्टर को चूस रहा है हनी बी। फिर इसने एक हाइव बना लिया है अपना और फिर लोग इसे निकाल रहे हैं, हनी बी से हनी को निकाल रहे हैं, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड एंड दे ईट। हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स को क्लासिफाई कर देते हैं उनके खाने के बेस पर, मतलब ह्यूमंस क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, इस तरह से। तो देखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स और ईट द मीट ऑफ द स्मॉलेस्ट एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये या तो प्लांट के थ्रू बनाए हुए फूड को खाते हैं या फिर कुछ छोटे जानवरों को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हेटरोट्रॉफ। इस तरह से सभी एनिमल और सभी हमारे, देन हमने क्या पढ़ा, सभी एनिमल्स और ह्यूमन क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मींस हेटरोट्रॉप का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से जनरेट नहीं कर पाते हैं, अपना फूड खुद से जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं एनिमल्स। पहला हमारा हर्बीवोर, जो क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, पौधों को खाते हैं। कार्निवोर, जो एनिमल्स को खाते हैं केवल। और ओमनिवोर, जो घास यानी प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इस तरह से तीन तरह के होते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर आप सबको बता दिया है। देखिए, जो गोट है हमारी हर्बीवोर है, घास खा रही है। लायन जो है हमारा क्या है, कार्निवोर है, यानी कि ये एनिमल को ही खाएगा। और जो हमारा बियर है, बियर ये घास भी खा सकता है और एनिमल्स को भी खाता है। तो ये हमारा कैसा हो गया, ओमनिवोर हो गया, ओके। देन ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, अब आप लोग को न्यू लेसन दिखाई देगा, आप लोग को न्यू चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।